हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मठरी चाट, जो कि बहुत ही आसान है बनाना। मठरी तो हर कोई बनाता है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है मठरी चाट। तो यहाँ पे लिया है हमने एक बाउल मैदा और हाफ बाउल सूजी है ये, तो दोनों को मिक्स करके हमें सान लेना है। थोड़ा सा इसमें हम रिफाइंड ऑयल और नमक डालकर हमने आटा तैयार कर लिया है इसका। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमें बेल कर और दोनों साइड से हमें थोड़ा सा कट लेना है और फिर चारों तरफ से बराबर बराबर मतलब बेल लेना है अच्छे से। देखिए इस तरह से बराबर कर लेंगे चारों कोने को एक जैसे, और एकदम पतला बेल लेंगे हम, और छुरी की सहायता से इसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने ढेर सारा बना लेना है, पतला पतला कटिंग। और एक छोटा सा कटोरी लेंगे हम, और क्योंकि हम एक कटोरी चाट बना रहे हैं, मठरी कटोरी चाट भी हम बना रहे हैं, तो देख लीजिए इस तरह से हमने कटोरी पे तेल लगा लिया है। और इसके ऊपर हम देखिए इस तरह से ना चटाई के शेप में कटोरी बनाएंगे। इस तरह से पूरे कटोरी पे हमें रख लेना है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें चिपका लेना है और इसको हम गोल गोल घुमाएंगे एक के ऊपर एक रखते हुए। देखिए इस तरह से, तो देखिए फ्रेंड्स कटोरी बनकर तैयार है। इसका साइड में जो है ना एक्स्ट्रा, तो उसको हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। और एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में तेल गरम करके
और हम डायरेक्ट कटोरी को कढ़ाई में डालेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तो कटोरी को छोड़ देगा टोकरी, ये जो मठरी है, तो हम कटोरी को निकाल लेंगे फिर कढ़ाई में से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे तेल गर्म हो चुका है और हमने डायरेक्ट कटोरी को इसमें डाल लिया है। और थोड़ी देर में हम कटोरी को, जैसे ही ये टोकरी छोड़ देगा कटोरी को, हम कटोरी को वापस निकाल लेंगे। और ये देखिए, इस तरह से हमें फ्राई कर लेना है पलटकर दोनों तरफ से। तो देखिए इस तरह से हमने इसे फ्राई कर लिया है और ये थोड़ा सा लाल हो जाएगा ना, तो इसे हमने निकाल लिया है। चलिए हम चाट बनाते हैं। तो ये देखिए, पहले हम कटोरी को रखेंगे, उसके बाद हमने इसमें डाल लिया है आलू, इमली का चटनी, और अब हम डालेंगे दही। चाट मसाला, काला नमक, और अब हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, और जीरा पाउडर भी डाल लेंगे, भुना हुआ जीरा का पाउडर, और यह हरी चटनी, ये धनिया पुदीना का चटनी है फ्रेंड्स। तो चटनी हम दो तरह का यूज किए हैं यहाँ पे, एक तो धनिया पुदीने की और एक इमली की खट्टी मीठी चटनी। और यह है सेव, तो अब इस जो नीचे है इसमें भी हम थोड़ा थोड़ा, जो नीचे वाली छोटी वाली मठरी हमने थोड़ा सा बना लिया था, जो कि सभी लोग बनाते हैं छोटी वाली मठरी, तो उसमें भी हम थोड़ा थोड़ा डाल लेंगे सारा कुछ। तो इसमें भी हमने चटनी डाल लिया है। हम इमली का चटनी भी डाल लेंगे। हम दही डाल लेंगे। हम काला नमक डाल लेंगे इसके ऊपर, और चाट मसाला, जीरा पाउडर, और ये लीजिए तैयार हो गया है चाट। तो चाट को एंजॉय कर सकते हैं और आप भी मठरी चाट बनाकर खा सकते हैं घर में आराम से। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मठरी कटोरी चाट बनकर तैयार है। अगर आपको एक कटोरी वाली चाट नहीं बनानी है तो आप डायरेक्ट छोटा छोटा मठरी भी बनाकर और उसका चाट बनाकर इस तरह से आप खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है ये। तो चलिए फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।